नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया, अपनी टीम को मैच भी जिताया, लेकिन करियर लंबा नहीं चलने के कारण गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगे। किसी ने पैसे को बिजनेस में लगा दिया तो किसी ने कोई और काम करना शुरू कर दिया। कुछ खिलाड़ी आज भी बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें से एक नाम जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ी एडो ब्रांडेस का है। एडो ब्रांडेस की जिंदगी तंगहाली में तो नहीं गुजर रही ही है, हाँ किसान जरूर वो बन गए हैं और इन दिनों टमाटर की खेती कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि इसी एडो ब्रांडेस ने सचिन को 2 बार आउट किया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी टीम को भारत के खिलाफ 4 बार जीत भी दिलाई। एडो ब्रांडेस ने अपने देश के लिए 10 टेस्ट मैच और 59 वनडे मुकाबले खेले। ब्रांडेस का इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं खींचा और उन्होंने 96 विकेट अपने करियर में हासिल किए, लेकिन इतने कम समय में ही उनकी छवि एक अच्छे गेंदबाज की हो गई थी। खासकर भारत के खिलाफ एडो ब्रांडेस काफी किफायती गेंदबाजी करते थे। ब्रांडेस ने सचिन को 2 बार आउट किया था और इस गेंदबाज के प्लेइंग 11 में रहते हुए जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम ने भारत के खिलाफ 4 बार जीत हासिल की। आपको बता दें, एडो ब्रांडेस ने साउथ अफ्रीका में खेली गई वनडे सीरीज में भारत को जीत से मरहूम कर दिया था। इस मुकाबले में उन्होंने 9 ओवर की गेंदबाजी में 41 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे। बता दें, ब्रांडेस ने अपना आखिरी मैच 1999 में श्रीलंका के खिलाफ खेला और उसके बाद वो कभी क्रिकेट के मैदान में नहीं लौटे। इतना ही नहीं, ब्रांडेस ने जिम्बाब्वे भी छोड़ दिया और वो ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर ब्रांडेस 6 सालों तक एक क्रिकेट टीम के कोच रहे। सनशाइन क्रिकेट टीम के कोच रहते हुए उन्होंने अपनी टीम को पहली बार ब्रिस्बेन क्रिकेट प्रतियोगिता जिताई। इसके बाद एडो ब्रांडेस ने कोचिंग भी छोड़ दी। आज ब्रांडेस 1 हफ्ते में 100 टन टमाटर उगाते हैं और उसे बेचकर मुनाफा भी कमाते हैं। ब्रांडेस कई लोगों को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं। तो ये है एडो ब्रांडेस की कहानी। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।